Hi everyone, what can happen in the next week, the first week of 2022? हम ज़्यादातर जब भी शेयर मार्केट में विश करते हैं तो यही कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा रहे, पर दोस्तों याद रखिए, जब शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करना है। अच्छा रह सकता है अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो, पर यहाँ पे तो बात यही आती है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए दोस्तों। हमारे कहने से होने से तो होने वाला है नहीं, राइट? तो चार्ट पे जो दिखे उसे देखना है, क्योंकि निफ्टी में हमें 11600 पे भी बाई मिला था जो हमने बनाया था वीडियो, राइट? वापस दिखा देता हूँ। तो बाई भी आए तो बाई देखना है, सेल आए तो सेल देखना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। देखिए मंथली चार्ट पे हमें निफ्टी का, ये वीकली मार्केट अपडेट में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यहाँ से बाई मिला था जिस पर हमने वीडियो बनाया था, पर मैं सिर्फ आपको कन्विक्शन लाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वर्क सही में करता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, रिएक्शन दिया था और यहाँ से ब्रेकआउट आया था, राइट? तो चलिए अभी देखते हैं वीकली में क्या सीन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आज 2 से 3 वीडियो बनाने हैं मुझे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो जाती है तो फिर कोई डरने की बात नहीं है, राइट? अभी फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंड लाइन जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तब तक ठीक है, कहना मुश्किल है, राइट? सबसे जो की लेवल है वो तो मैंने कल बता ही दिया था निफ्टी के वीडियो में, इसके लिए वापस मंथली में जाना पड़ेगा, यही लो है, राइट? जो मैं आपको, ठीक है चलिए इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। वीकली चार्ट में बस सिंपल अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बाकी के इंडिकेटर फटाफट देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं होंगे, देख लेते हैं। चलिए ADX जो है वो कह रहा है कि अगर ये ऑरेंज लाइन है एक्चुअली माइनस डी है और ब्लू लाइन है वो प्लस डी है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद है, अगर इसमें क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ आ जाता है बुलिश तो नेक्स्ट वीक अच्छा हो सकता है। उसके लिए लेवल क्रॉस होने के लिए ये वाला जो टॉप है वो रहेगा 176.50, पर बाइंग में जल्दबाजी अभी फिलहाल के लिए नहीं करना एडवाइजेबल है एज पर द इंडिकेटर, राइट? और यहाँ पर अगर डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है और मान लो ये माइनस डी और ऊपर चली गई और प्लस डी नीचे चली गई, डिस्टेंस बढ़ गया, ओके, तो ये लेवल बहुत मायने रखेगा 16410.20, राइट? चलिए अभी मैं MACD दिखा देता हूँ। कई लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं 25,000 की, तो आई थिंक ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ठीक है अगर कोई करता है तो हमें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो उनका काम है और इग्नोर करना हमारा काम है। MACD में जब भी बेरिश क्रॉस ओवर आता है, मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, राइट? यहाँ पर जब भी बेरिश क्रॉस ओवर आता है तो मार्केट की मूव जो होती है वो स्लो हो जाती है, राइट? कोई भी एरिया में आप देख सकते हैं, इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाले एरिया में उतना कुछ खास रिटर्न वो एरिया में नहीं आता है। स्मूथ मूव जब भी बुलिश क्रॉस ओवर के आसपास, बुलिश क्रॉस ओवर के बाद ही आती है, राइट? जब वो जीरो लाइन के ऊपर हो तब की बात है। जीरो लाइन के ऊपर जब भी हो और बेरिश क्रॉस ओवर आए, और हम बात करते हैं 24,000 की, जब तक बुलिश क्रॉस ओवर नहीं आता है तो वो एज पर द MACD एथिकल नहीं है। मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, एज पर द MACD, राइट? आप देख सकते हो कि जब कोरोना के पहले जो फॉल आया था, बजट से सब शुरू हो गया था, तो वहाँ पे ये बेरिश क्रॉस ओवर आया था, तो वहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जीरो लाइन के ऊपर बेरिश क्रॉस ओवर है। पर आप देख सकते हो कि वहाँ से सिग्नल आपको मिल गया था और फिर आपके सामने है जो भी तूफान आया था, तो यहाँ पे आपको क्लियर बोल रहा है कि भाई अभी बड़ी बड़ी बातें हमें लॉन्ग साइड की नहीं करनी चाहिए। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, MACD बोल रहा है, ठीक है? जब बुलिश क्रॉस ओवर आएगा ऊपर देखेंगे, ट्रेंड लाइन टूटा है, इसमें वक्त लगेगा, ओके? हो सकता है थोड़ा ऊपर हमें सिग्नल मिले, बट इट्स ओके, ऊपर मिले या सस्ते में लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। तो MACD फिलहाल के लिए अभी ये बोल रही है, राइट? तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होने दीजिए। चलिए अभी नाउ टाइम टू मूव ऑन द बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी आपको दिखेगा इट इज ऑल्सो इन द डाउन ट्रेंड लाइन। बैंक निफ्टी की हालत बहुत नाजुक है, उसको कोरोना तो हो चुका है, ओमिक्रॉन भी हो चुका है, वैक्सीनेशन भी फेल हो चुका है ऐसा लग रहा है फिलहाल के लिए। तो ये डाउन ट्रेंड लाइन है वो उसकी, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इससे दूर ही रहिएगा। कई लोग बैंक के स्टॉक्स में एवरेज कर रहे हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि PNB और बहुत सारे शेयर्स में बाइंग हो रहा है, आप मत कीजिएगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? ये जो है ट्रेंड लाइन, इसको टच
हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं। पर जब तक के लिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक इससे दूर रहिए। ब्रेक होगा फिर कुछ, अगर हमें मिलते हैं सिग्नल्स के लगता है कि अभी इसको उसका बुखार कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, फिर देखेंगे, राइट। अभी इसमें भी सब इंडिकेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट फट। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स क्या कह रहा है? डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो है वो कह रहा है कि माइनस डी है वो, अगर ये लो जो है अगर टूटता है, राइट, देन व्हाट कैन हैपन, हो सकता है माइनस डी ऐसे ऊपर चले जाए, और वो ऊपर चला जाता है और प्लस डी और नीचे चला जाता है, गैप बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए ADX लाइन है, उसकी वैल्यू जो है वो 22 है, पर फॉलिंग है, देखते हैं क्या होता है। अगर टर्न ले लेता है तो और फिर सबवर्टेज हो सकता है, पर यहाँ के लिए नेक्स्ट वीक के लिए 3401.45 ये सपोर्ट लेवल कई लोग कहते हैं, पर ये लेवल जो है उसके नीचे और पेन आ सकता है। ओके फाइन, सो नाउ टाइम टू मूव ऑन द लास्ट स्टॉक। हम ऑलवेज कहते हैं, इवन सब लोग कहते हैं कि गो विथ स्टॉक स्पेसिफिक ऑलवेज। सो यहाँ पे कई बार हमें मार्केट का मूड अच्छा नहीं होता है, पर यहाँ पे एक कोई अच्छा दिख भी जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स FSL वो ट्रेंड लाइन पे टिका हुआ है और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। वैसे तो कोई अच्छी कैंडल है नहीं, न्यूट्रल जैसी कैंडल है, पर अगर ये हाई ब्रेक होता है 189.75 देन इट कैन गो अप। स्टॉप लॉस ऑलवेज रखिएगा दोस्तों, एक रूल ऑलवेज याद रखिएगा, जो भी कैंडल के हाई पे ऊपर मैं आपको बाई बताता हूँ, राइट, उसी का लो स्टॉप लॉस रहेगा, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, पीपल ट्रेडिंग वी डोंट रिकमेंड टू ट्रेड। अभी बात कई लोग कहते हैं ऊपर कितना जा सकता है, तो वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये लो का स्टॉप लॉस, फिर एवरी वीक वी शुड ट्रेल द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल। पर अगर आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, वोडाफोन वाला आइडिया नहीं, सिर्फ ओनली आइडिया, तो यहाँ से आपको आइडिया आ सकता है कि 189.75 ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, और वो लेवल चेंज होता रहता है, तो वो ज़रूर देखिएगा, राइट। सो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक में इतनी तीन चीज़ें मुझे मिली है, फिर मंथली मार्केट अपडेट में मिलते हैं, और कल मंडे क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। ओमिक्रॉन के केसेस और वो सब देख के शॉर्ट ना करें, और डाउजोन्स को देख के बाई ना करें, सिर्फ चार्ट को देखिए, ओके, क्योंकि बढ़ते बढ़े बढ़ जाएगा तो डाउजोन्स का नाम दिया जाएगा, और गिर जाएगा तो ओमिक्रॉन का, और बीच में फंस जाएंगे हम, राइट फ्रेंड्स। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।